नैनीताल के तल्ला कृष्णापुर में संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर एक नाबालिग बालिका फांसी के फंदे पर लटके मिली है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। आनंद फानंद में बालिका को बीडी पांडे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस जिला चिकित्सालय पहुंची और शव का पंचनामा कर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नाबालिग बालिका के परिजनों का कहना है कि सुबह सब लोग काम के सिलसिले में घर बाहर गए हुए थे और जब दोपहर घर पहुंचे तो उन्होंने उनकी 10 वर्षीय बेटी घर के अंदर फंदे से लटकी पाई। वहीं इस मामले में एएसआई नवीन सिंघल का कहना है कि मृतका के परिजनों से पूछताछ की जा रही है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। थाना तल्लीताल पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बच्ची ने जो है सुसाइड कर लिया है। उसकी सूचना पर हम लोग आए, तब तक परिजन डेड बॉडी अस्पताल लेकर आ गए थे। डेड बॉडी का मुआयना किया गया है, जांच जारी है, पोस्टमार्टम मल्लीताल के द्वारा भरा जा रहा है। और उसके पिताजी ने बताया कि लड़की की उम्र 10 वर्ष थी, जनवरी में 11 वर्ष की होने वाली थी। कारणों की जाँच की जा रही है, जैसा भी कार्रवाई प्रकाश में आती है नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।